रामो और बताओ बेनू साहब कैसा आना हुआ? कुछ नहीं, यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, सोचा साले साहब से मिलते हुए ही चले, वरना गिल्ले सिक्के हो जाते हैं ना। आ लीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉकरोच है कॉकरोच। मालिक आप कहें तो इस कॉकरोच की यहीं मौत चोद दूं। ये तमीज सिखा रहे हो तुम अपने घर के नौकरों को? गाली बकरी आई है। अरे बहनोई साहब, कॉकरोच को ही तो गाली बकरा है, आपको थोड़ी बकरा है, छोड़ो। हाँ फिर भी मैं इस कॉकरोच के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। रामू तू आजकल बहुत बोल रहा है। अरे बहनोई साहब, हमें तो आपके बीच में बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आपके नीचे दबे पड़े हैं, हमारी बहन जो है आपके घर। रामू सॉरी बोलो बहनोई साहब से। सॉरी। इट्स ओके, जाओ नाश्ता लगाओ। अरे मालिक यार, दूसरे दिन तो यहाँ पे आ जा मैं, और मुझे पता किस लालच से आ मैं यहाँ पे, तुम बार बार इनका नाश्ता कराओ। रामू मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े वाले जलील हैं, सुअर हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी भोसड़ी के हैं, लेकिन हम इनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि ये हमारे बहनोई साहब हैं, हमारी बहन है इनके घर पे, तो तुम जाओ और नाश्ता लगाओ। अरे यार मालिक, मुझे अच्छा नहीं लगता इनका बार बार का नाटक है नाश्ते पास्ते का। यार देख रामू, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े वाले जलील हैं। अबे ओए क्या बदतमीजी है, बार बार मेरे मुंह पे जलील कर रहे हो, दो मिनट में धक्का दे दूंगा तेरी बहन को मैं। तुम भी पागल हो कैसे, मेहमान की बेइज्जती करे आ रहे हो, और तू बहुत देर से बोले आ रिया, जाके नाश्ता लगा। ठीक है, इस बार ऐसा नाश्ता लगाऊंगा कि अगली बार नाश्ता करने ला के ना बचोगे। क्या 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 गया है, तुमने बहुत मुंह पे चढ़ा रखा है इस घर के नौकरों को। अरे कुछ नहीं कहा बहनोई साहब, बच्चे वाली बात है, छोड़ो।